Hello students, good afternoon to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Saval classes. I hope you all are doing fine and you all are prepared with today's writer for the MCQs. So, aaj hum start karne ja rahe hain hamara lecture number 12 English MCQs ka, jahan hum taiyari kar rahe hain Master Cadre 2021 ki. So, I hope you are prepared with today's session. Before we start with the question series, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends as much as you can, those who are preparing for the Master Cadre English exam. Chaliye, to start karte hain aaj ka hamara session and the first question is, who said about Alexander Pope, if Pope be not a poet, where is true poetry to be found? कि अगर पोप पोएट नहीं होता तो हमें ट्रू पोएट्री का एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता? सैमुअल जॉनसन, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज ऑरवेल या जीबी शॉ? हु मेड दिस रिमार्क अबाउट अलेक्जेंडर पोप? कहने का मतलब उनका सीधा सीधा सिर्फ ये है दैट अलेक्जेंडर पोप इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स. सो ये किसने कहा? सैमुअल जॉनसन, राइट? दिस रिमार्क वॉज मेड बाय सैमुअल जॉनसन. क्वेश्चन नंबर टू, By faith, Alexander Pope was. Religion क्या था Alexander Pope का? किस faith में वो believe करते थे? Protestant थे, Anglican थे, Independent थे या Roman Catholic थे? हाँ जी, चलिए फटाफट से answer दीजिए. Alexander Pope by faith was Protestant, Anglican, Independent or Roman Catholic. So he was. Yes, I know you are aware of the answer. Very very well done. He was a Roman Catholic. Very good answer. Question number three. What books did Alexander Pope translate into English? इनमें से कौन सी दो books जो हैं Alexander Pope ने translate करी हैं? Aeneid, Iliad या Odyssey? इनमें से कौन सी दो books जो हैं English में translate करी थी Alexander Pope ने? Aeneid, Iliad या Odyssey? Both A and B, both B and C, both A and C. वेरी गुड टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर किया बी एंड सी. बिल्कुल सही जवाब, बी एंड सी. इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट करा था अलेक्जेंडर पोप ने. दोनों ही होमर के वर्क्स हैं, ठीक है? क्लासिकल राइटर होमर के वर्क्स हैं, उनको ट्रांसलेट करा था. क्वेश्चन नंबर, और वैसे भी जो रेप ऑफ द लॉक है ना, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन से क्लासिकल वर्क से इंस्पायर्ड है, तो रेप ऑफ द लॉक जो है वो, वैसे तो ये मॉक एपिक है ना, हमने पढ़ा है ना, ये मॉक एपिक है. तो कौन से एपिक को इमिटेट कर रहा है यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप? ही इज इमिटेटिंग होमर्स ओडिसी. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट सटायरिकल पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इंसिडेंट बिटवीन लॉर्ड पीटर एंड मिस एराबेला फर्मर? कौन सी सटायरिकल पोएम जो है लॉर्ड पीटर और मिस एराबेला फर्मर के रियल लाइफ कंफ्लिक्ट पे बेस्ड है? हाँ जी, एपिसल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ना. विंसर फॉरेस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, नन ऑफ दीज. हाँ जी, इट इज अ बर्लेस्क. क्यों बर्लेस्क है? देखो, एक तो इमिटेशन है, ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ी चीपनेस है कि वो क्या काटता है, बाल की लट काटता है ना, तो मजाक हो गया ना, बर्लेस्क हो गया, इट इज अ बर्लेस्क, राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव, हु सेड No writer reflects so clearly and completely the spirit of his own days as Pope does. अब ये रिमार्क किसने किया कि कोई भी राइटर जो है अपनी एज की जो कंडीशंस को, सिचुएशंस को उतना अच्छे से डिपिक्ट नहीं करता जैसा कि पोप करता है? लेस्ली स्टीफन, एलन टेट, मैरी शेले या ऑस्कर वाइल्ड? सो द राइट आंसर इज लेस्ली स्टीफन. वेरी वेरी राइट, सम ऑफ यू हैव आंसर्ड इट राइट, इट इज लेस्ली स्टीफन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप वॉज. बच्चे आप सर को फोन कीजिए, क्षमा, मैंने सर को याद दिलाया है काफी बार, आप प्लीज एक कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, एंड ही विल लाइक रिकॉल इट एंड सेंड इट. द फर्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप, वेरी राइट, पेस्टोरल्स. द फर्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप वॉज पेस्टोरल्स, एब्सोल्यूटली राइट आंसर. Question number 7. In which work by Pope do you find the proverb to err is human, to forgive divine?
हाँ जी, ये जो प्रोवर्ब है आपको एलेक्जेंडर पोप के कौन से वर्क में मिलता है, जो कि एंटीथीसिस का एग्जाम्पल भी है, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट या एपिस्टल टू अ लेडी? एब्सोल्यूटली राइट आंसर, वी गेट दिस फेमस प्रोवर्ब फ्रॉम द एसे ऑन क्रिटिसिज्म। हाँ जी बच्चे, अरिहंत में से आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन बिल्कुल हो जाएगी। अरिहंत में कोई एक दो राइटर्स ही हैं जो आपके सिलेबस के आपको नहीं मिलेंगे, अदरवाइज 99% सिलेबस आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8। इन रेप ऑफ द लॉक द बैरनेस प्रोवाइडेड बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, बाय सीजर कौन प्रोवाइड करता है बिलिंडा के बालों की लट काटने के लिए पीटर बैरन को? क्लेस्ट्रस, एरियल, बलिंडा या क्लेरिसा? अरे वाह, फटाफट भागते भागते आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। बिल्कुल सही, क्लेरिसा लाके देती है ये रेप ऑफ द लॉक में सीजर्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 9। हु सेड, बच्चे प्लेलिस्ट धीरे धीरे ऐड हो रही है, धीरे धीरे ऐड हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी, हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन? किसने लिखी है ये स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन? जोसेफ एडिसन, एलेक्सेंडर पोप, सैमुअल रिचर्डसन या हेनरी फील्डिंग? बड़ा ही आसान सवाल है ना, एलेक्सेंडर पोप। और किसमें? एसे ऑन मैन में। ठीक है, एसे ऑन मैन में से। अब ये कोट कहाँ से ली गई है ये भी आप याद रखना, इट इज टेकन फ्रॉम एसे ऑन मैन। क्वेश्चन नंबर 10। सैमुअल रिचर्डसन रोट डैश नॉवल, किस तरह के नॉवल्स लिखते थे सैमुअल रिचर्डसन? एंटी सेंटिमेंटल, एलिगोरिकल, सेंटिमेंटल या ऑटोबायोग्राफिकल? सैमुअल रिचर्डसन किस तरह के नॉवल्स लिखते थे, एंटी सेंटिमेंटल, एलिगोरिकल, सेंटिमेंटल या ऑटोबायोग्राफिकल? सो ही रोट बेसिकली सेंटिमेंटल। नहीं जी, आप पैमेला का एग्जाम्पल ले लो, क्लैरिसा का एग्जाम्पल ले लो, ये जो भी नॉवेल्स हैं दे आर सेंटिमेंटल, जहां पे एंड में जाके रीडर जो है वो सीरियस हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है। उनकी पैमेला की भी जो सिचुएशन जब हम देखते हैं, जब मिस्टर बी उसको जो है कैसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, और क्लैरिसा में तो क्लैरिसा का जिस तरीके से लवलेस रेप करता है, तो दोनों ही सेंटिमेंटल नॉवल हैं जिनमें थोड़ा बहुत जो है रोना धोना है। क्वेश्चन नंबर, जिन नॉवल्स में बच्चे रोना धोना हो, मैंने अपिस्लरी नॉवल तो ये है ही सौरभ, अपिस्लरी नॉवल का लेकिन मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। हु सेड अबाउट रिचर्डसन, ही एनलार्ज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड टॉट द पैशंस टू मूव एट द कमांड ऑफ वर्च्यू? रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन या सैमुअल जॉनसन? किसने बोला ये रिचर्डसन के बारे में? बट हाँ जी, सेंटिमेंटल में, सेंटिमेंटल जो थोड़े सीरियस से होते हैं बच्चे, जो थोड़े से हार्ट हमारे दिल को टच करते हैं, ठीक है, जिनमें किसी ना किसी तरह की ट्रेजेडी होती है, जिनमें थोड़ा बहुत रोना धोना होता है, कोई सीरियस इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे हमें तरस आता है ना, तो दैट इज सेंटिमेंटल। होना क्या होता है, जब हम कि कोई भी छोटी मोटी बात पे जो है बहुत ही ज्यादा जो है कोई बात हमारे दिल को छू जाती है और हम सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज सेंटिमेंटल। तो पैमेला में भी, क्लैरिसा में भी, दोनों में ही, ठीक है, पैमेला में एंड में जो है सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है, लेकिन क्लैरिसा में, क्लैरिसा का रेप होता है, ठीक है, और क्लैरिसा की डेथ भी हो जाती है ना, क्लैरिसा की डेथ भी हो जाती है, तो इस वजह से ये सेंटिमेंटल नॉवल है। तो ये किसने बोला था? सैमुअल जॉनसन ने। राइट, दिस रिमार्क वाज मेड बाय सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12। हु रोट अ पैम्फलेट कॉल्ड आंसर टू द लेटर ऑफ अ वेरी रेवरेंड एंड वर्दी जेंटलमैन? ये पैम्फलेट किसने लिखा था? इसीलिए तो सेंटिमेंटल है बच्चे, शुरू से लेके एंड तक क्लैरिसा की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्लैरिसा का रेप होता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट वाज सेंटिमेंटल। प्रीत, सैमुअल रिचर्डसन, जोसेफ एडिसन, एलेक्सेंडर पोप या सैमुअल रिचर्डसन? किसका है ये? इट इज बाय सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल
सैमुअल रिचर्डसन रोट दिस. ओ गॉड, सैमुअल रिचर्डसन मैंने दो बार लिख दिया. हाँ जी, तो सैमुअल रिचर्डसन रोट दिस पैम्फलेट, राइट. क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन बी कॉल्ड, हु कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट. फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट किसको कह सकते हैं हम? हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न या टोबियास स्मॉलेट? वेरी राइट आंसर, इट इज सैमुअल रिचर्डसन. सैमुअल रिचर्डसन इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, इन द लिटरेरी वर्ल्ड सैमुअल रिचर्डसन राइवल किसको, कौन कंपेटिटर? राइवल का मतलब कंपेटिटर. सैमुअल रिचर्डसन का कंपेटिटर कौन था? रचना, इस चीज के बारे में आप सर से बात करिए. कंपेटिटर कौन था, कंपेटिटर सैमुअल रिचर्डसन का? इट वॉज हेनरी फील्डिंग. एब्सोल्यूटली राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, हु ट्रूली सेड दैट टू टेक अप फील्डिंग आफ्टर रिचर्डसन इज लाइक इमर्जिंग फ्रॉम द सिक रूम ऑन टू द ओपन लॉन. किसने ये स्टेटमेंट कही कि जब हम रिचर्डसन के बाद फील्डिंग को पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी सिक रूम से निकल के हम ओपन लॉन में आ गए. वर्ड्सवर्थ मतलब एक तरह से फील्डिंग की प्रेज करी है उन्होंने इस स्टेटमेंट में, अगर आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने कि क्योंकि अगेन जैसे अभी हमने बात करी, क्योंकि रिचर्डसन जो है बहुत सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट है, उसके नॉवल्स में थोड़ा रोना धोना होता है. फील्डिंग के नॉवल्स थोड़े खुले होते हैं जिनमें थोड़ा सा जो है मतलब कॉमेडी काफी होती है. सो इट इज सेट बाय कोलरिज. वेरी राइट आंसर, कोलरिज ने दी थी ये स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 16, फॉर सम 10 इयर्स बिफोर ही टुक अप द नॉवल फील्डिंग हैड बीन बिजी राइटिंग. नॉवल्स लिखने से पहले, नॉवल लिखने से 10 साल पहले फील्डिंग क्या काम करते थे, क्या लिखते थे? ही यूज्ड टू राइट पोएट्री, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज या प्लेज. नॉवेल्स लिखने से पहले हेनरी फील्डिंग क्या लिखा करते थे? यस, ही यूज्ड टू राइट प्लेज. प्लेज लिखते थे बच्चे वो. वेरी राइट, जिन्होंने डी आंसर दिया है शाबाश उनको, प्लेज लिखा करते थे. क्वेश्चन नंबर 17, द पर्टिकुलर प्ले ऑफ हेनरी फील्डिंग दैट स्टार्टेड द लाइसेंसिंग एक्ट. हेनरी फील्डिंग का वो प्ले जहां से लाइसेंसिंग एक्ट की शुरुआत होती है, The Golden Drum, The Little Theater, The Female Husband और Jonathan Wild the Great. Henry Fielding के कौन से प्ले के साथ जो है लाइसेंसिंग एक्ट जो है स्टार्ट होता है? It is The Golden Drum. बच्चे epistolary novel होता है which is written in the form of letters. Epistle से बना है ये word epistolary. हम लोग पढ़ेंगे इस term को. Epistle का मतलब होता है letter. तो नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. पैमेला जो है सारी अपनी कहानी जो है अपने पेरेंट्स को, सॉरी पेरेंट्स को नहीं, कुछ लेटर्स लिख लिख के वो छुपाती रहती है. ठीक है, तो उन्हीं लेटर्स को मिला के जो है ये एक नॉवल बना दिया रिचर्डसन, राइट. सो दैट इज एपिस्टलरी नॉवल. क्वेश्चन नंबर 18 से पहले हमारे जो है मास्टरकेडर के पेड ग्रुप्स जो है बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं. इंग्लिश का हमारा देखिए चल रहा है, इंग्लिश का हम सेकंड ग्रुप भी बड़ी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर लेंगे. तो उससे रिलेटेड आपको जो है कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीपक सर के साथ. ऑल राइट, क्वेश्चन देन आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. प्रीत, मुझे पूरी तरह से श्योर नहीं है बच्चे, मैं आपको पढ़ के बता दूंगी. वो कहीं पे पहले काम तो करते थे, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, थोड़े से क्वेश्चंस तो ही हैं. सॉरी मैं भूल गई, कोई बात नहीं. तो अपना नाम, अपना मास्टर केडर का सब्जेक्ट और अपनी सिटी लिख के भेज दीजिए इस नंबर पे. All right, question number 18. And the question number 18 is, question number 18 is,
In which work Henry Fielding calls good by the name of evil and evil by the name of good. Evil को good कहता है, good को evil कहता है. कौन से work में? Joseph Andrews, Shamila, The Pleasures of the Town, Jonathan Wild the Great. चलो मैं ये खुद ही बता देती हूँ. Jonathan Wild the Great में वो ये चीज करता है कि he calls good by the name of evil and evil by the name of good. Question number 19. Henry Fielding revolutionized the concept of. किस कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज करा था हेनरी फील्डिंग ने अपने वर्क्स के जरिए? कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, डायलॉग या स्टेज सेटिंग? तो ही रेवोल्यूशनाइज्ड प्लॉट कंस्ट्रक्शन. कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, आप लोगों ने हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज भी पढ़ा है या हम डिस्कस करेंगे हमारे पेड ग्रुप्स में, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लॉट्स थोड़े से, ठीक है. पिकारस नॉवेल्स लिखते हैं ना, पिकारस नॉवेल्स कौन से, जहां पे उनके कैरेक्टर की जो है जर्नी दिखाई जाती है, एडवेंचर्स दिखाई जाते हैं, जब वो वन प्लेस टू अनदर जो है शिफ्ट होता है और किस किस तरह की उनकी लाइफ में जो एडवेंचर्स होते हैं, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली जब वो उनके हर जगह पे मूव होने की, रुकने की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्लॉट है, जो कहानी है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन वॉज रेवोल्यूशनाइज्ड बाय हेनरी फील्डिंग. क्वेश्चन नंबर 20. The greatest novel of Henry Fielding is. सबसे अच्छा novel Henry Fielding का कौन सा माना जाता है? Shamila, Joseph Andrews, Tom Jones या Clarissa? Which of these is regarded as the greatest novel of Henry Fielding? So that greatest novel of Henry Fielding is Tom Jones. It is Tom Jones. Right? Tom Jones. जोसेफ एंड्रयूज से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है बच्चे टॉम जोन्स. टॉम जोन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. ये टिपिकल पिकारस नॉवल है, टिपिकल पिकारस नॉवल, ठीक है. डॉन को एग्जॉट को कॉपी करते हुए ये नॉवल लिखा था, ठीक है. और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये कई बार समझ में नहीं आता. मैं भी अगर पर्सनल बात करूँ, मैंने बड़ी बार पढ़ाया है, बट मुझे सीक्वेंस में इस कहानी के इवेंट्स याद ही नहीं रहते. जबकि टॉम जोन्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग देन जोसेफ एंड्रयूज, एंड इट हैज सम थीम, इट हैज सम आइडिया, मॉरल आइडिया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर, हां जी, टॉम जोन्स इज बिल्डंग्स रोमन. टॉम जोन्स इज बिल्डंग्स रोमन, जिसमें एक कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई गई है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच लिटरेरी पीरियड डिड हेनरी फील्डिंग बिलोंग टू? हेनरी फील्डिंग किस लिटरेरी पीरियड को बिलोंग करता था? द ऑगस्टन एज, रेस्टोरेशन एज, जैकोबियन एज या एलिजाबेथन एज? हाँ जी, किस एज को बिलोंग करता था हेनरी फील्डिंग? वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज. सो यस, वेरी राइट, ही बिलोंग टू ऑगस्टन एज. हम ऑगस्टन एज ही कर रहे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 22. हेनरी फील्डिंग्स लास्ट नॉवल इज? शमिला, टॉम जोन्स, अमीलिया या जोसेफ एंड्रयूज? हेनरी फील्डिंग का लास्ट नॉवल कौन सा है इनमें से? विच इज द लास्ट नॉवल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स? हेनरी फील्डिंग्स लास्ट नॉवल इज, इट इज अमीलिया. अमीलिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 23. द की नोट ऑफ ऑल हेनरी फील्डिंग्स वर्क्स इज? की नोट, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल जो थीम, जो सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम जो क्या है हेनरी फील्डिंग के वर्क्स की, नेचुरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इमेजिज्म या रियलिज्म? व्हाट इज द की नोट ऑफ द, हाँ जी, वेरी राइट आंसर, इट इज रियलिज्म. बिल्कुल सही, रियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं कुछ हद तक हेनरी फील्डिंग्स के वर्क्स. क्वेश्चन नंबर 24. What kind of a novel Tom Jones is? किस तरह का novel है Tom Jones? A tragic novel, a comic novel, a sentimental novel या all of these? किस तरह का novel है Tom Jones? Tragic novel, comic novel, sentimental novel या all of these? Right, इसमें tragedy भी है, comedy भी है. जिस तरीके से Tom Jones के इतने सारे love affairs होते हैं, ठीक है, ट्रेजेडी इसलिए होती है क्योंकि वो ऑर्फन होता है, और सेंटिमेंटल भी इसलिए क्योंकि उसके बड़े सारे लव अफेयर्स होते हैं, है ना. वो कोई ना कोई लड़कियों को छोड़ के जाता रहता है, तो वो लड़कियों के लिए सिचुएशन सेंटिमेंटल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 25.
हु रोट द प्ले द यूनिवर्सल गैलेंट, यूनिवर्सल गैलेंट के राइटर कौन है, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, जोसेफ एडिसन या जोनाथन स्विफ्ट? हु इज द राइटर ऑफ द यूनिवर्सल गैलेंट? सो द राइटर ऑफ द यूनिवर्सल गैलेंट इज सैमुअल रिचर्डसन. इट इज सैमुअल रिचर्डसन. ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन इज द राइटर ऑफ द यूनिवर्सल. नो, सॉरी, इट्स हेनरी फील्डिंग, इट्स हेनरी फील्डिंग. बच्चे नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लेंगे जसबीर, नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द पेड ग्रुप, राइट. क्वेश्चन नंबर 26, हेनरी फील्डिंग वॉज द फाउंडर ऑफ विच जर्नल? किस जर्नल के फाउंडर थे हेनरी फील्डिंग? द कॉन्वेंट गार्डन जर्नल, द कॉन्वेंट गार्डन जर्नल, द क्रेजी गार्डन जर्नल या नन ऑफ दीज? किस जर्नल के फाउंडर थे हेनरी फील्डिंग? और वो जर्नल उन्होंने, उसमें जो पेन नेम यूज किया वो अपना नाम हेनरी फील्डिंग करके वो जर्नल नहीं लिखते थे. इट इज द कोवेंट गार्डन, इट इज द कोवेंट गार्डन, कोवेंट गार्डन है बच्चे. और उनका पेन नेम उन्होंने यूज किया था सर एलेक्जेंडर. बच्चे मैं कल दोबारा से डाल दूंगी हेनरी फील्डिंग के क्वेश्चंस, कल दोबारा से डाल दूंगी. सेम नहीं है, दिस इज कॉन्वेंट एंड दिस इज कोवेंट. ठीक है, और उन्होंने अपना नाम हेनरी फील्डिंग इस जर्नल को लिखने के लिए यूज नहीं किया था, उन्होंने नाम यूज किया था सर एलेक्जेंडर ड्रॉ कैंसर. एलेक्जेंडर ड्रॉ, हाँ जी हाँ जी बच्चे, कल हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, कल हम दोबारा रिपीट कर लेंगे हेनरी फील्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट. यस आई प्रिपेयर इट ऑन डेली बेसिस ग्रितिका. हाँ जी, पोप को छोड़ देंगे आशीष. हाँ जी खदीजा, यस खदीजा, यू आर जस्ट सेइंग मैम मैम मैम, व्हाट यू वांट टू से. क्वेश्चन नंबर 27, हु सेड आई डिस्क्राइब नॉट मेन बट मैनर्स, नॉट एन इंडिविजुअल बट अ स्पीशीज? किसने बोला ये, आई डिस्क्राइब नॉट मेन बट मैनर्स, नॉट एन इंडिविजुअल बट अ स्पीशीज? सैमुअल रिचर्डसन, अलेक्जेंडर पोप, हेनरी फील्डिंग या जोनाथन स्विफ्ट? सो दैट इज हेनरी फील्डिंग अगेन, दैट इज हेनरी फील्डिंग अगेन. आप खुद ही सोच रहे हो, देखो हेनरी फील्डिंग के क्वेश्चन आते जा रहे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 28, हेनरी फील्डिंग्स फर्स्ट प्ले वॉज लव इन सेवरल मास्क्स, द टेम्पल ब्यो, द ऑथर्स फार्स एंड द प्लेजर्स ऑफ द टाउन, टॉम थंब. थैंक यू ग्रितिका फॉर अप्रिसिएशन. हाँ जी, अरे नहीं भाई, और भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे फील्डिंग के नहीं हैं, 10-12 क्वेश्चंस ही हैं फील्डिंग के, घबरा गए बस. कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी तो हो जाता है, बड़े बच्चे हो आप लोग, ये समझ लो कि आज सरप्राइज टेस्ट हो गया. नहीं, हेनरी फील्डिंग्स फर्स्ट प्ले वॉज लव इन सेवरल मास्क. अब मुझे क्रिटिसाइज मत करना शुरू कर देना सिर्फ इतनी सी बात पे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, Who intended to write a kind of writing which I do not remember to have seen hitherto attempted in our language? मतलब कि किस वर्क के लिए जो है कहा, किस चीज के लिए जो है फील्डिंग ने कहा, किसने ये कहा कि मैं एक ऐसा वर्क ट्राई करने जा रहा हूं जो अभी तक जो है, अभी तक जो है वो हमारी लैंग्वेज में कभी ट्राई नहीं हुआ. इट इज हेनरी फील्डिंग. और ये किसके बारे में कहा उन्होंने, दैट जोसेफ एंड्रयूज के लिए. ये भी मैं बता देती हूँ, ये उन्होंने किसके लिए कहा, जोसेफ एंड्रयूज के लिए. क्यों कहा, बिकॉज ही सेड आई एम अटेम्प्टिंग अ न्यू काइंड ऑफ यानर. ठीक है, आई एम अटेम्प्टिंग अ न्यू काइंड ऑफ यानर. और वो क्या था, कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज. ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज को, यस आई सेड द आंसर, फिर भी कई बच्चों ने गलत आंसर दिया, कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज. ठीक है, मतलब अपने नॉवल के प्रीफेस में ही जो है
जोसेफ एंड्रयूज के प्रीफेस में ही फील्डिंग ने ये क्लियर कर दिया था कि ये एक नए तरह का जानवर होने वाला है और ये क्या होने वाला है, कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। ओके क्वेश्चन नंबर 30, चलो अब क्वेश्चंस चले गए फील्डिंग के, अब आ जाओ वापस। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज गिवन बाय विलियम लेबोव, डेविड यूल, नॉम चॉम्स्की या लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। हु गेव द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर? Who gave the idea of universal grammar? So it was given by, it was Noam Chomsky, right? Noam Chomsky. बच्चे don't get demotivated, easy भी होते हैं, easy भी होते हैं। और नवदीप जब second series आएगी ना, तब तक आप इतना पढ़ लोगे कि वो आपको बिल्कुल easy लगेगी। जब second series हम लेके आएंगे MCQs की, then it will be very easy for you. Don't worry about it. Question number 31. Dash is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together. Vastly different objects. The broken heart is a damaged china pot. Simile, metaphor, conceit, या none of these. हाँ जी, क्या होगा ये? Two vastly different objects are likened together. Is it a simile? मेटाफर, कंसीट। बच्चे ये कंसीट जहां पे आ गए ना, वास्टली डिफरेंट, जहां पे ये दो वर्ड्स आ गए ना, वास्टली डिफरेंट, जिन वर्ड्स का दूर दूर तक कुछ लेना देना ना हो, ठीक है? जैसे कि डन ने किया या जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स करते थे, लवर्स को कंपेयर किया कंपस के साथ, लवर्स का कंपस के साथ लेना देना है कुछ मेटाफर में, तो जबकि ये होगा कि किसी, हमने ब्यूटिफुल गर्ल को कंपेयर कर दिया ऐश्वर्या राय के साथ, किसी के अच्छे डांस को हमने कह दिया दैट शी डांसेस लाइक माधुरी दीक्षित, ठीक है? तो कंसीट जो है वो कंपैरिजन होता है, लेकिन वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? जहां पे दो चीजें, लवर्स का कंपस से कुछ लेना देना है, ठीक है, फ्ली का, मक्खी का लवर्स से कुछ लेना देना है, अगेन इस तरह के कंपेरिजन किए हैं कंसीट में जॉन डन ने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 32। डैश इज अ साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ द ईयर पैसेज। इज इट वाउल, कॉन्सनेंट, डिप्थोंग और ग्लाइड? हाँ जी, कौन से साउंड्स होते हैं जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो या पार्शियल हो? इज इट वाउल, इज इट कॉन्सनेंट, डिप्थोंग और ग्लाइड? हाँ जी, कॉन्सनेंट्स होते हैं जहां पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है जैसे प, ट, क, या पार्शियल होती है जैसे ह हो गया, जैसे य हो गया या श हो गया, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंडियन फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनोलॉजी अल्फाबेट या इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA? So the full form of IPA is very good, International Phonetic Alphabets. जो ये हम सारी की सारी जो sounds करते हैं ना, जो हमारे vowels हैं, जो हमारे consonants हैं, ये सारे के सारे जो हैं diphthongs हो गए, consonants हो गए, ये सारे के सारे IPA के under आते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे IPA के under आते हैं। Question number 34. What is the difference between acquisition and learning of a language? Acquisition और learning के बीच में क्या फर्क होता है? बच्चे ग्रितिका, you just prepare Jonathan Swift, Joseph Edison and Henry Fielding again. ठीक है, ये तीनों writers, Jonathan Swift, Joseph Edison and Henry Fielding again. Okay, what is the difference between acquisition and learning of a language? Learning is natural whereas acquisition is conscious. Acquisition is natural whereas learning is conscious. Acquisition focuses on grammar learning. On grammar, learning doesn't. All of these. So yes, the right answer is acquisition is natural whereas learning is conscious. Okay? Acquisition, जो natural, जो कहीं पे भी बैठे हैं, कोई कुछ बोल रहा है और हम सीख रहे हैं, जबकि learning जो है वो proper school, college में होती है या किसी और, मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35। साइकोलिंग्विस्टिक्स वाज लॉन्च्ड इन,
लाइक बच्चे जब हम कर लेंगे हर गुण तब समझ में आ जाएगा, जब हम कर लेंगे ना। देखो अभी आप लोगों को ये चीजें नहीं लग रही होंगी नो डाउट, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। डोंट पैनिक, घबराओ मत। जब इतने अच्छे तरीके से आपको मैं करवाऊंगी लिंग्विस्टिक्स का एक एक टॉपिक कि फिर जब आप आंसर करोगे ना आप कोई आंसर गलत नहीं करोगे। हाँ जी 1895 या 1905, सो यस द राइट आंसर इज 1895। साइकोलिंग्विस्टिक्स वाज लॉन्च्ड इन 1895, द राइट आंसर इज 1895। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। फादर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स किसको कहा जाता है, विलियम वुल्फ, विलियम वुंडट, विलियम वन या नन ऑफ दीज? हु इज नोन एज द फादर? बच्चे फॉर दैट यू कैन कॉल दीपक सर, जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं। यस इट वॉज विलहेम वुंडट, द फादर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इज विलियम वुंडट, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द वेरी एंड ऑफ अ स्टोरी, द पार्ट वेयर ऑल द डिफरेंट प्लॉट लाइन्स आर फाइनली टाइड अप। ठीक है, सारी की सारी जो कहानियां हैं जितने सब प्लॉट्स हैं वो टाइड अप हो जाते हैं। एंड ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर्ड, इज इट एपिलॉग, इज इट क्लाइमेक्स, इट इज डिनोमा और इज इट फॉलिंग एक्शन? हाँ जी क्या सही आंसर है इसका? सो इट इज डिनोमा, राइट। बच्चे एपिलॉग तो एक स्पीच होती है, एपिलॉग तो एक स्पीच होती है, कंक्लूडिंग स्पीच होती है, ठीक है। इट इज डिनोमा जहां पे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं, जो कोई मिस्ट्रीज होती हैं वो सुलझ जाती हैं और जो सारे के सारे सब प्लॉट्स हैं वो आके जुड़ जाते हैं आपस में, राइट। इट इज डिनोमा। ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 38, द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स। मैं आपको कल ही बता के हटी हूँ, जनरल स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स वो किसके अंडर आएगा, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, डिस्कोर्स या सिंटेक्स? बच्चे क्लाइमेक्स इज ट्विस्ट, क्लाइमेक्स जो है वो डिनोमा से पहले होता है और वहां पे कोई थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में, कोई टर्न आता है। नो नो नो, क्लाइमेक्स इज नॉट सिमिलर टू डिनोमा। क्लाइमेक्स होता है जहां पे कहानी में एकदम से कोई टर्न आता है, ठीक है जी। इट इज फोनोलॉजी, मैं आपको कल ही बता के हटी हूँ, है ना। जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, ओ सॉरी मैं आपके देखो देख के, इट इज फोनेटिक्स जनरल, मैंने आपको बताया था फोनोलॉजी इज पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया था फोनोलॉजी इज पर्टिकुलर, बच्चे फोनोलॉजी इज पर्टिकुलर। बच्चे डिनोमा और क्लाइमेक्स में बहुत फर्क होता है, डिनोमा और क्लाइमेक्स में बहुत फर्क होता है। डिनोमा इज टिपिकली द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज द एंड, ठीक है। और जो क्लाइमेक्स होता है दिस इज सम टर्निंग पॉइंट इन स्टोरी, एंड से पहले कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई राज खुल जाए, ठीक है, हो सकता है कोई राज खुल जाए कहानी में, टर्निंग पॉइंट जहां से, जैसे इडिपस रेक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे कुछ राज खुल जाते हैं ना, तो दैट इज डिनोमा, दैट इज क्लाइमेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ऑफ विच, हां जी दोनों आते कंक्लूजन से पहले ही हैं, डिनोमा इज कंक्लूजन प्रीत, डिनोमा इज कंक्लूजन। डिनोमा इज इक्वल्स टू कंक्लूजन, ऑफ विच क्लब पोप वॉज अ मेंबर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ स्क्रिबलरस क्लब, वेरी राइट, स्क्रिबलरस क्लब के मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री डोमिनेटेड इन द एज ऑफ पोप। ऑगस्टीन ने, जिसको कि न्यू क्लासिकल एज भी कह दिया जाता था, एज ऑफ पोप भी कह दिया जाता था, ठीक है, तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कह दिया जाता था, तो किस तरह की पोएट्री डोमिनेट करती थी उस टाइम पे, लिरिक, अलेग्री, सटायर या ओड? वेरी गुड आशीष, इट इज सटायर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच और द स्टडी ऑफ हाउ द स्पीच साउंड्स आर मेड इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स,
कि कैसे हमारे स्पीच ऑर्गन्स मूवमेंट करते हैं, कैसे उनकी आर्टिकुलेशन की वजह से स्पीच साउंड्स जो है हम प्रोड्यूस करते हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आता है, ऑडिटरी फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, अकूस्टिक फोनेटिक्स या आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, किसके अंडर आता है? आर्टिकुलेटरी। देखो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, स्पीच ऑर्गन्स की आर्टिकुलेशन, अपर लिप टच कर रहा है लोअर लिप को, ठीक है, दोनों लिप्स टाइटली बंद हो रहे हैं, लोअर लिप टच कर रहा है अपर टीथ को, इस तरीके से जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंडर डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द पेस्टोरल्स बाय पोप आर डैश इन नंबर, कितने पेस्टोरल्स हैं, जो पेस्टोरल उनकी फर्स्ट पोयम है उसमें, 3, 4, 2 और 5, हाउ मेनी पेस्टोरल्स आर देयर इन नंबर? द पेस्टोरल्स बाय अलेक्जेंडर पोप, हाउ मेनी पेस्टोरल्स आर देयर? 3, 4, 2 और 5? थ्री फोर टू और फाइव, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माई नेटवर्क, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। All right, yes, there are 4 according to the seasons, right? According to the seasons, spring, autumn, winter, summer, spring, summer, autumn, winter, very right, very right. Question number 43, Augustan age is also referred to as, Augustan age ko aur kya kehte hain? Age of neoclassicism, age of enlightenment, age of prose and reason, all of these. What do we call the age of Pope or the Augustan age? It is age of neoclassicism, age of enlightenment, age of prose and reason. So all of these. Question number 44. The history of a young lady is the subtitle of. Kiska subtitle hai ye history of a young lady? Pamela ka, Clarissa ka, Jane Eyre ka ya Mrs. Dalloway ka? The history of a young lady is the subtitle of Pamela, Clarissa, Jane Eyre, Mrs. Dalloway. So it is the subtitle of Clarissa by Richardson. Richardson ki novel Clarissa ka, hai na? Richardson ki novel Clarissa ka. And the last question for today. Sorry, there were only 44 questions. Okay. So for tomorrow, you will be preparing Joseph Edison. Theek hai? Joseph Edison. हेनरी फील्डिंग दोबारा से डालूंगी मैं, उसमें से रिपीट ही करूंगी मैं क्वेश्चंस, तो आज वाले क्वेश्चंस ही चाहे अच्छे से देख लेना, ठीक है, आपके रिवाइज हो जाएंगे, राइट? एंड जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, राइट, ये तीनों राइटर्स। बच्चे डिप्थोंग इज अ ग्लाइड, डिप्थोंग जो है वो एक ग्लाइड होता है, ठीक है, ग्लाइड होती है, स्टार्टिंग विद वन वाउल एंड एंडिंग विद अनदर, सॉरी, जैसे कि सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं, ग्लाइड होती है ये, एक वाउल से शुरू होती है, दूसरे पे खत्म होती है, ठीक है, ये देखो ये वाउल्स हैं, डिप्थोंग्स हैं, ओ राइट, इज इट क्लियर नाउ? बच्चे पीडीएफ प्लीज आप मैसेज कर दीजिए सर को, तो वो आपको जल्दी से भेज देंगे, ठीक है जी। चलिए तो कल के लिए ये राइटर्स प्रिपेयर करेंगे आप, जोसेफ एडिसन, हेनरी फील्डिंग दोबारा से और जोनाथन स्विफ्ट, राइट, इकबाल, बस पढ़ते रहो, यही सबसे अच्छा मैसेज है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, सबसे अच्छा मेथड है स्टडी करने का, पढ़ो, लिख लिख के देखो चीजों को, चीजें पक्का याद होंगी, ठीक है। जब मैं नोट्स बनवाती हूँ, नोट्स बनाओ साथ में, फिर उनको फिर से जब याद करते हो रात को बैठ के शांति में, उनको फिर से लिख लिख के देखो, राइट। सेकंड बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम।
with some more questions. Keep learning, keep preparing.